पुष्कर के रावत मंदिर में रावत महासभा की ओर से आयोजित 3 दिवसीय शिव परिवार व राम परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का बुधवार को श्री गणेश किया गया। महासभा के प्रदेशाध्यक्ष ज्ञान सिंह रावत ने बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत बुधवार सुबह कलश यात्रा निकाली गई। समाज की महिलाएं गाजे बाजों के साथ मुख्य गऊ घाट से कलशों में सरोवर का पानी लेकर मंदिर पहुंची, जहां 27 हवन कुंडों की स्थापना की गई। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर दोपहर बाद समाज के 2 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। गुरुवार को मंदिर पर 27 कुंडीय यज्ञ होगा, वहीं शुक्रवार को शिव पंचायत और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी दिन मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना भी होगी। शिखर पे कलश स्थापना है तो आज माता बहने गौघाट से कलश लेके जल भर के पुष्कराज की पूजा करके जल लेके आई और कलश स्थापना करके यज्ञ की शुरुआत है। अभी मंडल पे देवताओं की पूजा हो रही है। पूजा होने के बाद में अभी 2 जोड़े सामूहिक विवाह समूह के रूप में 2 जोड़ों की शादी होगी, बिंदौरी निकलेगी। ये रावत महासभा राजस्थान के तत्वाधान के अंदर ये 3 दिवसीय यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसके अंदर 20 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा आज शाम को अभी जो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक यज्ञ के अंदर बैठे लोग और 6 बजे सामूहिक विवाह होगा। 21 तारीख को फिर यज्ञ प्रारंभ होगा सुबह 8 बजे से लेकर शाम को। 22 तारीख को यहाँ पर कलश व्यवस्था की जाएगी, राम मंदिर या राम परिवार और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।